हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे एक रेंज ऑफ इयर्स गिवन हो तो उसमें कितने लीप इयर्स हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये गिवन है कि ईयर 2001 से लेके और ईयर 3000 तक टोटल नंबर ऑफ लीप इयर्स कितने हैं। तो एक तो बहुत ही आसान तरीका है इसको फाइंड करने का कि हम हर एक ईयर को लीप ईयर टेस्ट करें। जैसे हम 2001 को टेस्ट कर लें कि ये लीप ईयर है कि नहीं, 2001-2 को चेक कर लें कि वो लीप ईयर है कि नहीं, 2003 को टेस्ट कर लें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हर एक ईयर को आप ये टेस्ट कर लें कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो अगर हमें इसका कोई शॉर्टकट फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये पता करना है कि 1 से लेके 10 के बीच में टोटल ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1 करते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से 10 के बीच में। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ये पता करना हो कि 21 से 30 के बीच में टोटल नंबर्स कितने हैं। तो हमने 30 माइनस 21 प्लस 1 किया, इसका मतलब है ये 10 आ गया। तो टोटल नंबर्स इसके बीच में 10 है। सिमिलरली 1 से 10 के बीच में टोटल नंबर्स कितने होंगे, 10 है। अब अगर हम 10 को 4 से डिवाइड कर दें तो दिस विल गिव अस 2। ये इंटीजर बाई इंटीजर डिविजन है, 2.25 आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे इसका 2.45 आएगा, लेकिन हमने इसका इंटीजर ले लिया है, दैट इज 2। सो देयर आर 2 नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। वो कौन कौन से नंबर होंगे, एक 4 होगा और 8 होगा। सिमिलरली 21 से 30 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, तो एक होगा 24 और एक होगा 28। फाइन, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 23 और 36। अगर हमें ये पता करना है कि 23 और 36 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, सो हमने 36 माइनस 23 प्लस 1 किया, सो दिस हैज गिवन अस 13 प्लस 1, 14। 14 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव अस 3। तो टोटल 3 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो जब हम पता करते हैं और यहीं से हम एक एक्सेप्शन निकालेंगे, तो एक 24 होगा, एक 28 होगा, एक 32 होगा और एक 36 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर हमारा थोड़ा सा गलत आया। गलत क्या आया कि 24, 28, 32 और 36 4 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है, जबकि हमारा यहाँ पे क्या आंसर आया, 13 प्लस 1, 14 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 3 आया। तो इसको 4 लाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि जो 36 है उसको माइनस करते हैं 23। इसका मतलब क्या है कि 23 से 36 के पहले तक कितने नंबर हम ये फाइंड कर लेते हैं, सो दिस विल गिव अस 13। इसको अब हम 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर हमारा आएगा 3 आएगा। और इसके बाद 36 को अलग से टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो यस ये 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी संख्या हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, सो 3 प्लस 1 हमने 4 कर लिया, एंड 4 इज द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, इसको समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास जो नंबर्स गिवन है वो है 21 से लेके 40 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, 40 माइनस 21 किया, दिस इज गिवन इज 19। 19 को हमने 4 से डिवाइड किया एंड वी गॉट 4। अब 40 को हम अलग से टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल है क्या। सो अगर 40 अगर डिविजिबल बाई 4 है तो मॉड्यूलस 4 0 आना चाहिए, तो उस केस में हम +1 कर देते हैं। तो इसका मतलब टोटल 5 नंबर्स होंगे 21 से 40 के बीच में जो 4 से डिविजिबल होंगे। कौन कौन से वो नंबर्स होंगे, 24, 28, 32, 36 एंड 40। सो हमने ये फाइंड कर लिया है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। इसी तरह से अगर हमें ये पता करना है कि एक रेंज में कितने ईयर्स हैं जो लीप ईयर होंगे, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये रेंज है जिसमें मुझे लीप ईयर फाइंड करना है। तो इसमें से एक ही ऐसा पार्ट होगा, एक छोटा सा पार्ट होगा जो कि लीप ईयर्स का होगा, बाकी नॉन लीप ईयर्स का होगा। फाइन, तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए कि एक रेंज में कितने लीप ईयर्स हो सकते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले कितने ईयर्स टोटल लाई करते हैं रेंज में, हम उसको पता कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमारे रेंज में, लेट्स से हमारा जो रेंज है वो 2001 से लेके 3000 है, तो इसके बीच में कैसे हमने फाइंड किया कि 3000 माइनस 2001, तो ये जो भी संख्या आ रही है लेट्स से वो एक्स है। अगर हमें ये पता करना है कि इसके बीच में कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो फोर से डिविजिबल होंगे, तो हम एक्स बाई फोर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्स बाई फोर हम फाइंड कर लेते हैं। और एक्स बाई फोर कैसे हमने फाइंड किया, ये वाला जो पार्ट है हमारा है उसको मान लेते हैं कि वो एक्स बाई फोर है। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो फोर से डिविजिबल है, क्योंकि लीप ईयर वही होगा जो फोर से डिविजिबल होगा। हालांकि और भी कंडीशन है बट लेकिन लीप ईयर वही होगा जो फोर से डिविजिबल होगा, वो हो सकता है कि लीप ईयर हो। तो टोटल इतने ईयर्स हैं जो लीप ईयर्स हो सकते हैं। इसके बाद हम एक काम करते हैं कि 100 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 100 से, जो नंबर 100 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट हमने शेडेड रीजन फाइंड किया है, इसी में से एक पार्ट हमारा ऐसा होगा जो कि 100 से डिविजिबल होगा। तो मान लेते हैं कि 100 से डिविजिबल वाला हमारा पार्ट ये वाला है। तो जो 100 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्स बाई फोर में से एक्स बाई हंड्रेड माइनस कर देते हैं। तो ये वो एक्सक्लूडेड ईयर्स हैं जो कि लीप ईयर नहीं होंगे। लेकिन जो 100 से डिवाइड हो रहा है वही नंबर हो सकता है कि 400 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो जो नंबर 400 से डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि यही जो शेडेड ब्लैक रीजन है इसमें से एक पार्ट ऐसा होगा जो कि लीप ईयर होगा। तो वो कौन सा है, हम मान लेते हैं कि ये ब्लू वाला जो रीजन है वो 400 से डिविजिबल वाला रीजन है। तो हम इसमें 400 से डिविजिबल वाले नंबर्स को ऐड कर देते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स इस रेंज में इतने होंगे। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि हमने क्या किया था, कि अगर हमें ये फाइंड करना है कि इस रेंज में कितने लीप ईयर है, तो लास्ट वाले ईयर को हमें इंडिविजुअली टच चेक करना चाहिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं। सो हमने 3000 से पहले तक सारे नंबर्स या सारे ईयर्स फाइंड कर लिए कि लीप ईयर है कि नहीं, और उसके बाद लास्ट या जो 3000 वाला है वही हमारा अलग से टेस्ट करना है। तो हम उसको अलग से टेस्ट कर लेंगे। तो लेट्स से हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करके ये पता कर लिया है कि ये जो ईयर 3000 है वो लीप ईयर है कि नहीं है, और उसकी वैल्यू है वाई। वाई की वैल्यू 1 है अगर वो लीप ईयर है, और वाई की वैल्यू 0 है अगर वो लीप ईयर नहीं है। तो हम एल में वाई को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स जो इस रेंज में होंगे वो एल इक्वल्स टू एल प्लस वाई होगा। एक बार जल्दी से हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल होंगे वही लीप ईयर हो सकते हैं। तो हमने रेंज में ये फाइंड कर लिया कि टोटल कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। अब इनमें से वो नंबर हमारे एक्सक्लूड हो जाएंगे जो 100 से डिविजिबल हैं, तो हमने माइनस कर दिया जो कि 100 से डिविजिबल नंबर्स हैं। और हमें वो ईयर्स जो कि 400 से डिविजिबल होंगे वो लीप ईयर्स होने चाहिए, तो इसलिए हमें उन नंबर्स को ऐड कर देना चाहिए। फाइन, जब x बाई 100 को माइनस कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि उससे 400 वाले भी माइनस हो जा रहे हैं। तो 400 वाले हमें एक्सक्लूड नहीं करने चाहिए, 400 वाले तो हमें इंक्लूड करने हैं, इसलिए हमने 400 वाले को अलग से ऐड कर दिया। सो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स इतने हो गए। अब हम लास्ट ईयर को या 3000 ईयर को फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या वो लीप ईयर है कि नहीं। मान लेते हैं कि लीप ईयर अगर है तो वो 1 होगा, और अगर लीप ईयर नहीं है तो वो 0 होगा। अकॉर्डिंगली एल में हम वाई को ऐड कर लेते हैं। वेन डायग्राम से एक बार फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया। हमारे पास ये वो ईयर्स हैं जो रेंज में ईयर्स है टोटल, इनमें से 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स ये हैं या 4 से डिवाइड होने वाले ईयर्स ये हैं। इनमें से 100 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं वो ये हैं, और हमारे लीप ईयर्स कौन कौन से हो गए, ये वाला लीप ईयर हो गया, ये कंफर्म है कि लीप ईयर होगा, ये 100 से डिवाइड होने वाला नहीं है और 4 से डिवाइड होने वाला है। अब 100 से डिवाइड होने वाले में एक छोटा सा पार्ट ऐसा होगा जो कि लीप ईयर होगा, वो कौन से होंगे, जो कि 400 से डिविजिबल होंगे। तो ये 400 से डिविजिबल वाला जो है वो भी लीप ईयर होगा, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है, ये सारे लीप ईयर नहीं। तो आइए इसका हम कोड लिखते हैं। ये हमने लास्ट प्रोग्राम ये लिखा था कि कोई ये लीप है कि नहीं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमें एक रेंज फाइंड करना है। फाइन, तो हम एक रेंज ले लेते हैं, इंटीजर रेंज 1, जो कि एक रेंज का पार्ट है, रेंज का जो स्टार्टिंग पार्ट है, और रेंज 2 मतलब रेंज का जो एंड पार्ट है। अब हमें ये फाइंड करना है कि इस ईयर में कितने, इस रेंज में कितने लीप ईयर्स होंगे जो कि लीप ईयर हो सकते हैं। तो एक लीप ईयर के लिए एल ले लेते हैं, और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि रेंज 2
माइनस रेंज वन करके जो नंबर आएगा उसको हम सेव कर लेते हैं सम एक्स में। फिर ये फाइंड करते हैं कि कितने लीप ईयर्स होंगे, तो कितने लीप ईयर होंगे इसको फाइंड करने के लिए एल इक्वल्स टू फाइंड करते हैं एक्स बाई फोर माइनस एक्स बाई हंड्रेड प्लस एक्स बाई 400। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वी हैड अ गुड डिस्कशन ऑन दिस। इसके बाद हमें लास्ट ईयर को मतलब कि रेंज टू है उस वाले ईयर को ये टेस्ट करना है कि क्या वो लीप ईयर है कि नहीं है। लेट्स से एक इंटीजर ईयर इज इक्वल्स टू रेंज टू, आप रेंज टू पे डायरेक्ट भी वर्क कर सकते थे लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है तो इस ये कोड लिखा हुआ है लीप ईयर को फाइंड करने का, तो इसलिए हम दोबारा से नहीं ले रहे, हम एक नए वेरिएबल ईयर में इसको सेव कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमने ये टेस्ट किया कि क्या ये लीप ईयर है कि नहीं। अगर ये लीप ईयर है तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वाई नाम का, और वाई इक्वल्स टू वन कर लेते हैं, और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो वाई इज इक्वल्स टू जीरो कर लेते हैं, और L इज इक्वल टू एल प्लस वाई कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स इतने ही होंगे हमारे रेंज में। इसके बाद इसको हम प्रिंट कर देते हैं, थोड़ा सा ब्यूटीफाई अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स रेंज वन एंड रेंज ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको स्क्रॉल करके या छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी दैट कि यहाँ हमें इस भी लिखना चाहिए, रेंज वन और रेंज टू के बीच में एल ईयर्स लीप रन करके देखते हैं इसको। वाई हमने डिक्लेयर नहीं किया तो वाई को हम डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर वाई, ओके। क्यों ये गलती आई? क्योंकि हमने इनपुट ही नहीं कराया रेंज वन और रेंज टू। रेंज वन करा लिया और रेंज टू इनपुट कर लिया। एक छोटी सी हमने गलती की थी, इसको आप लोग ध्यान से देखें कि ये जो रेंज टू माइनस रेंज वन है हमने रेंज को इनपुट कराने के पहले ही कर दिया, तो इसको हम इसके बाद कर देते हैं। आई होप कि इसके बाद हमारा आंसर सही होना चाहिए। सो हमने इनपुट कराया 1001 से 2000, सो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स जो इसके बीच में होंगे वो 243 है। अगर हमें छोटी सी रेंज लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हमने एक रेंज लिया 1800 से 1900, तो ये इनके बीच की जो गैप है 1801 से लेकर 1900 लेते हैं, इनके बीच का जो गैप है वो है 100, तो 100 में जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो 4 नंबर्स होंगे, 25 नंबर्स होंगे, तो 25 के आसपास इसमें लीप ईयर्स आने चाहिए। इसमें 24 है, क्यों 24 है? क्योंकि 1900 सेंचुरी ईयर है, इसलिए उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। पावर प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन। Thanks for watching.